श्री राधे, कोई विशेष आग्रह हो कि जैसे आज यहाँ पर एक अनुष्ठान हो रहा है, 60 लोग आएंगे और 16-16 माला करेंगे, तो 960 माला आज महामंत्र की होनी है, तो उस 60 में यदि आप एक हैं और आप महामंत्र की जगह जुगल मंत्र कर रही हैं तो उनके अनुष्ठान में बाधा आ जाएगी। 960 की जगह 16 माला कम हो के 944 माला होंगी और वो समझेंगे कि 960 हो गई। यदि ऐसी कोई टेक्निकल बात है तो आपको या तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो आप हरे कृष्ण महामंत्र कर सकती हैं। जुगल मंत्र करने वाले को हरे कृष्ण महामंत्र करने का कोई मनाही नहीं है। और यदि सहज में चल रहा है, कोई गिनती नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई विशेष इस प्रकार का आग्रह दुराग्रह नहीं है, तो भैया सब लोग बैठ के यहाँ महामंत्र का नाम करेंगे, तो आप उसमें बैठ के जुगल नाम राधे श्याम 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 राधे राधे करिए, लोग हरे कृष्ण करेंगे। कोई हो सकता है श्री राम जय राम करे, कोई राधा वल्लभ श्री हरिवंश करे, कोई कुछ करे, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई अपराध नहीं है, महामंत्र के प्रति भी अपराध नहीं है, क्योंकि महामंत्र और जुगल मंत्र एक ही भाव है, एक ही बात है। और नाम, जहाँ नाम का अनुष्ठान हो रहा है तो नाम में भी समान शक्ति है। गोविंद कहो, कृष्ण कहो, हरे कहो, राधा गोविंद कहो, राधा रमन कहो, गोपाल कहो, मदन गोपाल कहो, सब समान है, अपराध नहीं है। हाँ, बस वो अनुष्ठान को देखना है कि पर्टिकुलर कोई अनुष्ठान हो रहा है तो फिर वहाँ एक गड़बड़ी हो जाएगी, उनकी संख्या गड़बड़ हो जाएगी। यदि पर्टिकुलर अनुष्ठान नहीं है तो आप कर सकती हैं और आयोजकों को बता भी सकती हैं कि मैं महामंत्र नहीं करूंगी, मैं जुगल मंत्र करूंगी, तो ये बात ठीक रहे, कोई हानि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो गहराई को आप देख लें, मुझे नहीं पता कि क्या डेप्थ है उसकी। जय श्री राधे, जय नेता।